जैसे कि गाइस आज फ्राइडे है तो अपने पोको या फोन के लिए ग्लोबल बीटा का अपडेट यहाँ पे मिल चुका है। जो भी यूजर MIUI 9.4.12 पे थे तो उनको आज 9.4.18 का ग्लोबल बीटा अपडेट यहाँ पे मिल चुका है, और जिन्होंने भी 9.4.14 या 15 इंस्टॉल किया था उनको भी अपडेट आ चुका है। तो 9.4.15 जो TWRP का फाइल था वहाँ से इंस्टॉल हो रहा था वो अपडेट यहाँ पे स्किप हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इसमें क्या क्या चेंजेस है हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे सेटिंग में। तो उसके पहले यहाँ पे अपडेट का साइज आप देख सकते हो, 228 MB का ये अपडेट है। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलते हैं सेटिंग में और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो MIUI 10 ग्लोबल 9.4.18, और यहाँ पे आप वर्जन इसका देख सकते हो। उसके साथ गाइस यहाँ पे बात करते हैं मेन चेंज की, जो 9.4.12 से आपको 9.4.18 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गाइस फाइनली डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है इस अपडेट में। तो स्पेशली जो हमें 9.4.15 में यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा था स्क्रीन टाइम का, जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट वाली वीडियो में, ये ऑप्शन आप को ये मेन सेटिंग में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा स्क्रीन टाइम। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन टाइम मेन सेटिंग में आ रहा है सिस्टम सेटिंग्स में। तो ये ऐसे ही यहाँ पे अब ओपन हो रहा है, और जो ऑप्शन स्पेशल यहाँ पे मेन सेटिंग में था उसको इन्होंने निकाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको बस सिस्टम सेटिंग में ही देखने को मिल जाएगा। उसके साथ और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है वाईफाई का रिलेटेड। तो यहाँ पे भी मैं आपको वो भी ऑप्शन आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, वाईफाई प्रो प्रोटेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो ये भी वाईफाई प्रो प्रोटेक्शन ऑप्शन आपको मेन सेटिंग में ही ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे में पोको या फोन के लिए वीडियो बनाता हूँ। उसके साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक करना, भी मैं पोको या फोन पे वीडियो डाल उसका नोटिफिकेशन आप तक तो आ जाए। और एक मेन चीज यहाँ पे चेंज ऐड किया है उन्होंने कि MI9 का गेमिंग मोड आपको स्पेशली इस अपडेट में देखने को मिल रहा है। तो पहले आपको गेमिंग मोड का एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था, देख सकते हो गेम, तो यहाँ पे ये यह एप्लीकेशन यहाँ से रिमूव किया है, और ये एप्लीकेशन आपको सिक्योरिटी ऐप में देखने को मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हो। और उसका एनिमेशन भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, गेम स्पीड बूस्टर, तो देख सकते हो। जस्ट मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो पूरा यहाँ पे इंटरफेस पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। मुझे पता नहीं कि इन्होंने क्यों चेंज किया है, पर ये पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया। और उसके साथ आपको FPS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब FPS कितनी स्पीड से चल रहा है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप ऊपर के साइड में देख सकते हो आपको 4-5 जो भी FPS का स्पीड है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको अब पता चलेगा कितने FPS से यहाँ पे आपका गेम प्ले हो रहा है। और गाइज यहाँ पे बात करते हैं इसके व्हाट्स न्यू में क्या है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस और कुछ बग फिक्सेशन देखने को मिल जाते हैं। वॉलपेपर लोड फास्टर इन सेकंड फेस, जब आप सेकंड फेस इनेबल करते हो तो वहाँ पे वॉलपेपर मतलब लोड नहीं हो रहे थे, वो यहाँ पे फिक्स हो चुके। फेस अनलॉक एनिमेशन डजेंट वर्क प्रॉपरली, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। बैटरी इन्फो इन द स्टेटस बार वाज द अपडेटेड विद द डिले, जो डिले होता था वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। और कैमरा में बहुत सारे इंप्रूवमेंट यहाँ पे किए है, ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या कितने हद तक ऑप्टिमाइज किया है ये मुझे पर्सनली चेक करना पड़ेगा। और ऐसे कुछ ये यहाँ पे चेंजेस थे। और गाइज यहाँ पे एक एक जो चीज़ है इस अपडेट में हमें मिसिंग देखने को मिलती है पोको या फोन के लिए, स्पेशली हमें यहाँ पे डिस्प्ले में अदर फोन में सेम टू सेम अपडेट में डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पर पोको या फोन में फिलहाल 9.4.18 में ये डार्क मोड देखने को नहीं मिल रहा है, पर रेडमी नोट 5 प्रो में ये डार्क मोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको स्पेशली देखने को मिल जाता है। तो ये आना चाहिए, मुझे लगता है कि नेक्स्ट अपडेट में जरूर आएगा। तो गाइज ऐसा कुछ वीडियो था, तो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना यार, लाइक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर किसी वीडियो को। तो प्लीज़ यार लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।